सबसे बेस्ट झालर है जो इस दीपावली की सबसे बेस्ट झालर, मैं बताऊंगा। अगर आप जो बड़ी झालर खरीदना चाहते हैं तो दोस्तों उसमें सबसे अच्छी झालर यही होगी दोस्तों, क्योंकि आपको मालूम भी होना चाहिए, जब मार्केट में जाने से पहले आपको मालूम होना चाहिए कि क्या चीज आपको लेनी है, ठीक है। इसकी रिव्यू मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, सारी झालरों में से बेस्ट झालर ये क्यों क्यों है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर लेना दोस्तों, और बने रहिए वीडियो में और इसी तरीके के प्यार देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। तो फ्रेंड्स, लगभग 20 तरीके की झालर मैं इस बार सेल कर रहा हूँ, लगभग 20 वैरायटी की झालर मैं सेल कर रहा हूँ। सिर्फ झालर झालर की अगर बात करेंगे तो, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसमें से सबसे बेस्ट कौन सी है दोस्तों, आप देख सकते हैं दोस्तों, ये इस तरीके का वीडियो कोई भी शॉप कीपर नहीं बनाना चाहेगा, क्योंकि दोस्तों अगर होलसेलर या रिटेलर इस तरीके का वीडियो बनाएगा तो दोस्तों सारी झालरी हमको तो सेल करनी है, लेकिन दोस्तों हम आपकी ज़्यादा फिक्र करते हैं और हम चाहते हैं कि आपका पैसा बेकार ना जाए, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको जो मार्केट में जो भी चीज़ लें, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं या नहीं है दोस्तों, आप अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक अच्छे जानकारी दूं, ठीक है। तो दोस्तों इस तरीके की मेरे पास में देखिए कम से कम 20 वैरायटी की झालर मेरे पास है, लेकिन इसमें बेस्ट झालर कौन सी होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो दोस्तों, आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, जो दुकानदार आपको बताएगा आप उसी झालर को खरीद लेंगे, वो मैं किसी भी झालर के इसमें 100 खूबियाँ बता सकता हूँ फ्रेंड्स आपको, और आप उसी को खरीद लेंगे, ठीक है। दोस्तों इसमें LED है, पिक्सल है, क्रिस्टल LED है, रॉकेट है, ठीक है, हर चीज़ है, हर वैरायटी का इसमें झालर है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी आपको देखिए, जो अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो मैं खोल के भी बंद करके हर तरीके से मैं आपको झालर दिखा सकता हूं, ठीक है। लेकिन फ्रेंड्स आपको कौन से झालर लेने, जैसे ही मार्केट में आप जाएंगे वो नाम मैं आपको बता देता हूं जिस नाम से आपको झालर मार्केट में लेनी है। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्त जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंड्स। तो दोस्तों वो झालर है ये, ठीक है, ये इस तरीके की झालर होगी फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा भी देता हूँ और किस नाम से आपको मार्केट में मिलेगी और इसकी खूबी क्या है, क्यों मैंने ये वीडियो बनाया आपके लिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सही से कनेक्ट कर देते हैं, सबसे पहले इसको जला करके दिखाते हैं, ठीक है। सही से कनेक्ट करने के बाद में दोस्तों ये देखिए, ये जल गया, ठीक है। दोस्तों इसको बोलते हैं डायमंड, तो इसकी जो LED होती है इसको बोलते हैं डायमंड LED। इसकी जो फोकस होता है दोस्तों बहुत ही बेहतरीन फोकस होता है, सबसे अच्छा फोकस होता है डायमंड LED का। और दूसरी बात दोस्तों, ये RGB है, यानी कि RGB का मतलब क्या है दोस्तों, ये ऑटोमेटिक में एक ही जो इसका LED होगी, ये देखिए स्टार की तरह चमकेगी, प्लस ये जो दीवार वगैरह पे फोकस मारेगी जिससे कि और ज़्यादा ग्लो आएगा आपकी लाइटिंग में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये डायमंड LED बोलते हैं इसको, और RGB का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ही बल्ब इसमें कलर चेंज कर रहा है, ठीक है, एक बार वो बल्ब करके जो जलता है वो नहीं है इसमें सिस्टम दोस्तों, एक ही बल्ब बार बार कलर चेंज कर रहा है। इसी LED में आपको ग्रीन दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसी LED में आपको रेड और ब्लू भी दिखाई देगा एक ही LED में, और इसकी LED जो होती है वो ट्रांसपेरेंट होती है, इस तरीके इसका कोई कलर नहीं होता, ठीक है। तो ये होता है डायमंड LED इसको बोलते हैं फ्रेंड्स, और इसकी खासियत ये है। ऐसा क्यों है दोस्तों, RGB को मैंने क्यों बोला कि RGB आपको लेनी चाहिए दोस्तों, ये इसका मॉडल है, ठीक है, डायमंड के नाम से आपको मिल जाएगी, आपको मॉडल से कुछ नहीं करना, आपको डायमंड बोलना, डायमंड LED में हमें झालर चाहिए RGB। RGB का मतलब ये है दोस्तों, ये इसमें जो फंक्शन होगा वो ऑटोमेटिक, ये बल्ब इसमें कलर चेंज करता रहेगा, इसकी जो LED है वो कलर चेंज करती रहेगी, ठीक है। ऐसा नहीं है दोस्तों कि कभी एक LED चलेगी फिर दूसरी LED चलेगी, एक बार वो LED चलेगी एक बार दूसरी LED चलेगी, वो वाला सिस्टम इसमें नहीं होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, ये आप 24 आवर्स या जितने टाइम भी चलाना चाहेंगे कंटिन्यू एक ही फंक्शन लगातार चलता रहेगा, आपकी जो रात को आप किसी भी टाइम उठ के देखेंगे तो झालर बराबर फंक्शन करती हुई मिलेगी, ठीक है। लेकिन जो डब्बी वाली झालरें होती हैं, जो बड़ी डब्बी वाली झालर होती हैं, उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें दोस्तों कुछ टाइम के बाद में वो फंक्शन एक ही फंक्शन पर रुक जाती है झालर, और अगर कम चल रही है तो कमी चलती रहती है, और ज़्यादा चल रही है तो वहीं पर रुक जाती है फ्रेंड्स, आप तो उसको चेंज रात में उठ के तो कर नहीं सकते, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपको डायमंड LED की झालर लेनी है, वो भी RGB, ठीक है फ्रेंड्स, आपके जानकारी ये समझ में आ गई होगी दोस्तों, डायमंड LED RGB में झालर खरीदनी है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर डायमंड LED में भी झालर ना मिले तो RGB में क्रिस्टल वगैरह की झालर भी आप ले सकते हैं, कोशिश करेंगे डायमंड में ही आपको मिल जाए, ठीक है, लेनी RGB है, ठीक है। वो बड़ी डब्बी वाली झालर आपको नहीं लेनी है दोस्तों, उसमें रात को क्या होता है एक लाइन चल रही है दूसरी बंद होगी तो वो पूरी रात एक ही लाइन चली रहती है, ठीक है। तो उसकी वो अच्छी रात में क्या होता है, जो आप डेकोरेट करते हैं तो दोस्तों वो रात को फीका हो जाता है आपका डेकोरेट, जो कभी आप घर को अच्छे से सजाते हैं लेकिन रात को वो फीका हो जाता है क्योंकि उसका फंक्शन वहाँ पर रुक जाता है, ठीक है। इसका साथ में ऐसा नहीं है, ये लगातार फंक्शन करती रहेगी, एक ही बल्ब दो बार इसका कलर चेंज करता रहेगा कंटिन्यू, ठीक है फ्रेंड्स। तो जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। रेट की बात करेंगे तो दोस्तों ये थोड़ा कॉस्टली होती है,
और ये 60 मीटर की झालर है जो रिव्यू हम कर रहे हैं, और इसका रेट है 300 रुपये। मार्केट में आपको 300 रुपये से कम में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली, लेकिन दोस्तों इसमें पैसा वसूल है, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। तो डायमंड की LED वाली झालर ही आप RGB में ले सकते हैं, 300 रुपये मार्केट में आपको मिल जाएगी 60 मीटर की, ठीक है। तो चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक।